नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर को महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने हनी ट्रैप के एक संदिग्ध मामले में जासूसी और पाकिस्तान की खुफिया ऑपरेटर के साथ संपर्क के लिए 3 मई को गिरफ्तार किया गया था उन्हें। और कुरुलकर कई बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा रह चुके हैं। वो ग्राउंड सिस्टम और भारत के शस्त्रागार में लगभग सभी मिसाइलों की लॉन्चिंग में लॉन्चर के तौर पे शामिल रह चुके हैं। समझ लीजिए कि उनका प्रोफाइल काफ़ी ऊंचे दर्जे का रह चुका है और पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार डीआरडीओ वैज्ञानिक प्रदीप कुलकर को लेकर के जो चार्जशीट है, जिसे आज एक विशेष अदालत को एटीएस को सौंपा गया है, उसमें काफ़ी सारे खुलासे हुए हैं और इसी पे हम बात करेंगे, क्योंकि ये कोई एक घटना नहीं है। कई सारे ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, ख़ासतौर पे राजस्थान से लेकर के कई अरेस्टिंग अब तक हुई हैं। तो हम बात करेंगे, ऑलरेडी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और समय समय पे ऐसे ऑपरेशंस जो दुश्मन देशों द्वारा चलाए जाते हैं उनको लेकर के अवेयरनेस के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए जाते रहते हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं होती हैं। मेरे साथ आज के मेरे मेहमान हैं कर्नल डॉक्टर शांतनु राय जी। शांतनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार, थैंक यू। सर, ये जो घटना जिसका मैंने जिक्र किया है, इतने बड़े प्रोफाइल में एक वैज्ञानिक जो मतलब लॉन्चिंग कई सारे मिसाइल्स की लॉन्चिंग में लॉन्चर के तौर पर रहे हैं, ये और इसके अलावा भी कई सारे केस हमारे सामने आते रहते हैं। आज एक रिसेंट केस हुआ है, वो गुजरात से है अगेन। तो ये सब क्या है, मतलब हर फोर्स में प्रोग्राम लगातार चलाए जाते हैं, लोगों को अवेयर किया जाता है, क्या कहते हैं इस घटना पे? इस घटना के विषय में पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इतने ऊंचे ओहदे पे ये प्रदीप करुलकर जी एक डायरेक्टर थे इन वन ऑफ द लैब्स ऑफ डीआरडीओ इन पुणे, और ये जुड़े हुए थे काफी सीक्रेट एक्टिविटीज जैसे कि अग्नि मिसाइल, यूसीएफ, ब्रह्मोस जी, प्लस इवन राफेल जेट के कुछ टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में, प्लस मिसाइल लॉन्चर्स में, प्लस वो लॉन्चर्स के साथ जुड़े हुए थे। ये काफी चाइल्डिश हरकत है कि ऐसे हनी ट्रैप में इनके उम्र के, ये अगले साल रिटायर करने वाले थे, बल्कि इस साल ही रिटायर करने वाले थे 50 में। इट शुड नॉट हैव हैपेंड, बट देन आपको पता है जैसे कि वुमेन, वेल्थ एंड वाइन आर 3 थिंग्स व्हिच पैर फिसल जाते हैं, बट देन लाइक ही वाज इन टच विद सम वुमेन कॉल्ड ज़ारा दासगुप्ता, जो कि एक यूके से ऑपरेट कर रही थी, बता रही थी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जी, एंड इनका आईपी एड्रेस फिर पाया गया है पाकिस्तान, दैट इज शी इज बेसिकली एन पाकिस्तान इंटेलिजेंट ऑपरेटिव, जिसको पीआईओ कहा जाता है। जी जी, ऐसे इम्पोर्टेंट जगहों में जब कोई भी रहता है, लाइक इवन जर्नलिस्ट, पुलिस, डिफेंस पर्सनल तो है, जिनसे नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा आता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। स्पेशली डिफेंस ऑफिशियल्स को तो ये एक्ट का शपथ लेके इट इज एवरी ईयर साइंड एंड मेड, वी आर मेड टू रीड इट व्हेन व्हाइल इन सर्विस, एंड इवन आफ्टर सर्विस वी कैन नॉट डाइवल्ज सर्टेन थिंग्स इन व्हिच यू हैव बीन इन्वॉल्वड। लाइक मायसेल्फ, आई वाज इन वन ऑफ द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आई कैन नॉट नेम, एंड आई वाज पोस्टेड देयर, वी आर नॉट इवन अलाउड टू कैरी मोबाइल्स। जी, स्मार्टफोन तो दूर की बात, अगर नंबर भी था विद इन आवर कैंपस, वी कुड नॉट गेट आर गेस्ट्स, अगर किसी से मिलना था दैट वाज आल्सो डॉकेटेड, आवर मूवमेंट्स वर नॉट टू बी टोल्ड टू आवर फैमिलीज, घर हमारे वी कुड नॉट कॉल गेस्ट, काफी पाबंदियां रहते हैं। इसके बावजूद भी अकुलकर के इसमें से, इसके फोन में से स्क्रीनशॉट जो लिए गए हैं, ही हैड डाटा अपलोडेड, ऑफिशियल डाटा ऑन टू हिज स्मार्टफोन। जी, अभी तो फोरेंसिक टेस्ट्स जो हुए हैं इनके लैपटॉप हार्ड डिस्क में,
काफ़ी इम्पोर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए डिटेल्स मिले हैं रिगार्डिंग द लॉन्च रिगार्डिंग ब्रह्मोस मिसाइल व्हिच ही हैज बीन पासिंग ऑन। अभी चार्जशीट होने के बाद अभी और भी पता चला है कि ये कुछ लेडीज को एंटरटेन किया था इन्होंने डीआरडीओ के गेस्ट हाउसों पे, उसका अभी खुलासा लिया जाएगा। प्लस पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी एप्लीकेशन सबमिट किया गया है। फरवरी 23 में जब इसको पता चला कि ऑन 23rd ऑफ फरवरी ही ब्लॉक्ड दिस, तो किसी एयरफोर्स के पर्सनल जो कि बैंगलोर में पोस्टेड है, ही इज आल्सो बीन इंट्रोगेटेड, इनका नाम बताया नहीं गया है। उनके फोन के थ्रू ही वाज आस्क्ड बाय दिस लेडी कि मेरे नंबर को क्यों ब्लॉक किया गया है, बिकॉज उसको पता चल गया था लास्ट ईयर जून से लेकर दिसंबर तक ही वाज इन टच, देन ही वाज हिज मूवमेंट्स वर सस्पिशियस। 5-6 बार वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे विदेश भी घूम के आए हैं। अब वो भी अभी सर्च किया जाएगा कि वहां किससे मिला है, कहां रहे हैं डिटेल्स। देन ही वाज गिवन into remanded into police custody or judicial custody for 15 days. Now it has been extended till 21st of July. So ये सारा कुछ दिखाता है कि he was either getting money or there were some other things which he may have been blackmailed. वो तो जैसे जैसे investigation ATS के तौर पे खुलेगा तो पता चलता रहेगा। बट देन इससे एक चीज बहुत क्लियर हो जाता है जी कि वी हैव टू बी स्पेशली जो डिफेंस पर्सनल हैं जो कि बॉर्डर पे है, जैसे कि आप बता रहे थे राजस्थान में जनवरी से बहुत सारे केसेस हुए हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑपरेशन सरहद या ऑपरेशन हिफाजत, जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले आईबी वाले चलाते रहते हैं सो दैट टॉक्स आर मॉनिटर्ड। एक ये नंबर आता है जो +92 पे, ये बहुत सारे बॉर्डर पे जितने भी जवान हैं यूनिट्स हैं इनके पास कॉल्स आते रहते हैं, दे आर बेसिकली पाकिस्तान नंबर्स एंड दे ट्राई टू गेन इंफॉर्मेशन, एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे वो सीओ का नाम हो चाहे वो कितने जवान है, एवरीथिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन एंड व्हेन joined together into a logical conclusion becomes intelligence which your enemy country can use. Even isme there has been a case where a driver had been passing on some information about his unit exercise to a Nepali's personnel jisko arrest kiya gaya hai and he was found to be a co-founder of a Chinese firm. मतलब इंफॉर्मेशन सिर्फ पाकिस्तान नहीं इवन चाइना के पास जा रहा है। और अकुलकर के केस में तो ही हैज बीन स्पेसिफिकली हनी ट्रैप्ड एंड टारगेटेड, मे बी दे हैव स्टडीड ही मे बी हैविंग वीकनेस फॉर वुमेन और व्हाटएवर इट इज एंड देन बिकॉज ही वाज इन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेटिव और सेंसिटिव पोस्ट, सो इस मामले में टारगेट किया गया है जी। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द ड्यू कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, पॉलीग्राफ में क्या रिजल्ट निकलता है। सर आपने ये कहा कि ऑपरेशन सरहद जैसे कई ऑपरेशन चलते रहते हैं, तो अब क्या इन पे ऐसी कोई नजर नहीं थी क्योंकि इनका ओहदा बहुत बड़ा था? नहीं, नजर पे तो आ गया था, इनके जो एक्टिविटीज थे दे वेर सस्पिशियस। इससे पहले चांदीपुर में जो इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च के लिए जो साइट है चांदीपुर बालासोर में, वहां पे भी एक सीनियर डीआरडीओ ऑफिशियल को अरेस्ट किया था उड़ीसा पुलिस ने लास्ट ईयर। अच्छा। वहां से ये कुछ इनको लिंक मिला होगा अकुलकर प्रदीप का। सो आफ्टर दैट हिज एक्टिविटीज वेर अंडर स्क्रूटिनी दिस ईयर आफ्टर दिसंबर, और उससे पहले डीआरडीओ के विजिलेंस सेक्शन ने
इस पे नजर रख के इसका पूरा मोबाइल इत्यादि को काबू में करके इसका टेस्ट करके पूरा रिपोर्ट करके देन ओनली अ कंप्लेंट वाज फाइल्ड विद एटीएस एंड देन आगे के प्रोसीडिंग्स। तब इसको शक हो गया था, इसने फिर अकॉर्डिंगली फरवरी में ब्लॉक कर दिया था इस औरत को। सो ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है, टॉक्स आर मॉनिटर्ड, आजकल तो व्हाट्सएप कॉल्स एंड वीडियो कॉल्स आर बेसिकली इनका सिर्फ वीडियो कॉल्स एंड व्हाट्सएप के थ्रू ही कम्युनिकेशन था इस औरत के साथ। एंड डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जो ये मिले हैं, पता नहीं कौन आया विद टाइम, अभी हमको क्लियर होगा कि कौन लेडीज उससे मिलने के लिए आए थे। सो इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। लाइक मैं कुछ केसेस के बारे में बता रहा हूँ, लाइक फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स, जनवरी में एक कोर ऑफ इंजीनियर्स के जवान को हनी ट्रैप किया था कोई रीत कौर, फिर उसके बाद किसी अवलीन गिल 3-4 बार, फिर किसी फरवरी या मार्च में एक आर्टिलरी के जवान को अरेस्ट किया गया था। इन्होंने अपने मोबाइल में कुछ यूनिट के एक्सरसाइज इत्यादि के फोटोग्राफ्स लेके ऐसे किसी पीआईओ लेडी को जिससे इसका फ्रेंडशिप हुआ था उसको भेजा गया। देन अभी रिसेंटली नवंबर में अ ड्राइवर ऑफ द डिफेंस, वन ऑफ द डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स वाज अरेस्टेड। प्लस राजस्थान में तो 2-3 केसेस हो चुके हैं एक्सरसाइज के दौरान, प्लस कुछ कॉल्स को मॉनिटर करने के बाद पता चला है कि ये पाकिस्तान के आईएसआई या उनके पीआईओस के साथ टच में है। सो अरेस्ट हैव बीन कैरिंग गोइंग ऑन, और ये इसी ऑपरेशन जिसका एक नाम दे रखा है ऑपरेशन सरहद और ऑपरेशन हिफाजत, जो ये इंटेलिजेंस वाले मिल के, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो चाहे वो सिविल इंटेलिजेंस, मिल के कैरी आउट करता है सो दैट Nothing related to national security is leaked out. और ये पाकिस्तान जो है हमारा neighboring country है, who are not supposed to be our friends, they are always into this because they know that is the way they can try to weaken our national security and get information. जी. And PIOs are the main operatives, बल्कि they even send their moles across. Moles जो होते हैं किसी शहर में, जैसे along the border of Punjab, Rajasthan, they are sent and they operate there. अभी जैसे August September में भी Rajasthan में कुछ ISI agents को arrest किया गया था. So they are quite active. That is why from time to time in the defense, in the units, yes, हर लेवल पे ऑफिसर से लेके नीचे तक समझाया जाता है कि ये प्लस टू वाले जो कॉल्स हैं अटेंड ना किया जाए, किसी अननोन लेडी को सोशल मीडिया पे ब्रीफ फ्रेंडशिप ना किया जाए, प्लस अपने यूनिट की बातें इवन घर पे ना बताया जाए, छुट्टी में जब जाए तो नो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अदर देन द लीव सर्टिफिकेट इज कैरिड। तो काफी लोगों को पंप अप किया जाता है, बल्कि अभी तो नॉर्मल आर्मी यूनिट में भी स्मार्टफोन्स डिसअलाउ कर दिया है, अगर रखना है तो छोटा फोन विद अ नंबर सो दैट यू कैन कम्युनिकेट विद योर फैमिली एंड रिलेटिव्स। सो काफी हद तक कंट्रोल ट्राई किया जा रहा है। इवन जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है दैट कम्स ऑन टू जर्नलिस्ट ऑल्सो, जैसे एक इफ्तिकार गिलानी थे June 2002 में, जिनके अगेंस्ट ओएसए को इवोक किया गया था बिकॉज ही हैड पब्लिश समथिंग which was supposed to be secret. जैसे कि there are 4 classifications, top secret, secret, restricted and unclassified. तो unclassified जो होता है that is in the public domain, आप कहीं से भी उसको internet वगैरह से ले सकते हैं। secret and top secret nobody can publish, even they are beyond the right to information. RTI में भी आपको नहीं दिया जाएगा because under para 4 that is aiming towards national security, so you can refuse that information under that paragraph. एक आपने सर अभी जिक्र किया कि इन्हें टारगेट किया गया, आई वॉन्ट टू से मतलब इन पे किसी की नजर थी हमारे दुश्मन देश की,
चूँकि ये बहुत सारे ऑपरेशंस में लॉन्च एज ए लॉन्चर रहे हैं ये, तो अब इनके बारे में भी तो जानकारी किसी ने दी होगी ना, अगर इनको टारगेट किया गया है तो, मतलब इनके बारे में जानकारी कलेक्ट करी होगी, फिर उधर भेजी होगी, वहां से फिर इनको टारगेट किया, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, अभी जो मैं बता रहा था कि उड़ीसा पुलिस ने जैसे कि किसी साइंटिस्ट को अरेस्ट किया था रिगार्डिंग ड्यूरिंग अ लॉन्च लास्ट ईयर, अब मे बी उसी के थ्रू इनको हिंट मिला हो, क्योंकि किसी ने इंफॉर्मेशन दिया होगा, बिकॉज ही वॉज अ की पर्सन जी, वाज इन्वॉल्वड इन मेनी लॉन्चेस, मेनी प्रोजेक्ट, इवन मिशन शक्ति जो कि एंटिल सैटेलाइट जी के अगेंस्ट डेवलप किया गया, ही वाज इन्वॉल्वड इन दैट, दैट मींस ही वाज क्वाइट अ की एंड इंपॉर्टेंट मैन इन मेनी प्रोजेक्ट, इसके पास काफी चीजों का डाटा पब्लिक नॉलेज था, ही यूज्ड टू ट्रैवल टू मेनी अ कंट्रीज फॉर ऑफिशियल वर्क, सो ऑलरेडी किसी को इंफॉर्मेशन किसी ने पास किया होगा कि अगर इसको टारगेट किया जाए, प्लस इनके वीकनेसेस कुछ पता चला होगा दैट मे बी वुमेन वेयर इज वीकनेस और देयर वाज सम नीड ऑफ मनी जो कि विद टाइम इट विल स्टार्ट कमिंग आउट करके, उसको फिर सिस्टमैटिकली मैसेज भेजा होगा थ्रू व्हाट्सएप हो या उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, एंड दिस लेडी ज़ारा दासगुप्ता जो कि यूके में सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाती थी, अगर इफ इट वाज नॉट अ टारगेट देन व्हाई वुड That lady be asking about information. Agar sirf simple friendship was the aim, because he used to discuss about these projects with this lady. Plus, they had started asking for documents which he used to upload onto his personal laptop, hard disk, into his personal smartphone, and was sending it across. जो कि forensic reports से निकला है, of his laptops and other electronic devices. जी जी, किसी ने प्रॉपर ये एक्टिविटी जब आईएसआई या कोई ऑपोजिट कंट्री करता है, प्रॉपर आदमी को स्टडी किया जाता है, ही इज देन ट्रैप्ड, जब दो दिस मैन इज कोऑपरेटिंग विद ऑल द इन्वेस्टिगेशन बट ही इज डिनाइंग द चार्जेस, ही सेज आई हैव बीन हनी ट्रैप्ड, बट अगर हनी ट्रैप्ड हुआ था देन एटलीस्ट ही इज ग्रोन अप एनफ टू अंडरस्टैंड, कोई बच्चा तो है नहीं, he should have understood that he is being entrapped by somebody, why should he start saying something, or some favors he must have done, chahe sexual activities ho, chahe money ho, that is why he must have been blackmailed after that. इनके बारे में और भी जानकारी आज चार्जशीट में जो बताया गया है कि वो लेडी जो है दास ज़ारा दासगुप्ता, उनके कुछ चैट्स भी चार्जशीट में बताए गए हैं, जिसमें वो हनी और बेबी बाबू करके ब्रह्मोस लॉन्चर अग्नि मिसाइल और तमाम तरह की जानकारियां इनसे टुकड़ों टुकड़ों में लेती रही और ये उसको वो जानकारी भेजते रहे, तो ही इज अनफ मैच्योर इस मतलब की पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं, और मतलब उस प्रोफाइल का बंदा तो अपने जो अंडर में लोग होते हैं उनको कहना चाहिए कि बताते हैं कि आप इन सब चीज़ों से बचिए, वो इस स्टेज में आकर के अगर ये सब कर रहे हैं तो इट मस्ट बी यू नो उनको टारगेट किया गया, और अब एक समस्या और हो सकती है, जिस तरीके से बातें सब निकल के आ रही हैं उसमें और न जाने कितनी इम्पोर्टेंट जानकारियां उन्होंने दी होंगी, क्या कहते हैं आप? हाँ, अभी तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगा तो पता चलेगा कितना सेंसिटिव जानकारियां इसने पास किया है, क्योंकि इनके इस पे काफी लॉन्चेस के प्लस ब्रह्मोस के लॉन्च के अग्नि सिक्स तक के इसने इन्फॉर्मेशन, अग्नि सिक्स तक का इन्फॉर्मेशन पास किया गया है, he was in a very sensitive post. Then secondly, this Zara Dasgupta has been showing him obscene videos, obscene of her own self, of other videos of whatever, which he must be enjoying or
and then they must have been recorded that he is doing obviously, it. Obviously, all these activities must be going there on video chat yes. and all. तो ये उन्होंने ये बताया कि ये लॉन्चर मेरा डिजाइन किया हुआ है, यानी कि उन्होंने अपनी जो उनकी एक सफलता थी उसको उसके साथ शेयर करते हुए सारी चीजें उसको बता दी. Yes, he has boasted about himself. Maybe he wanted, he was megalomaniac, so he wanted to boast kisi in front of a female or babe karke usko bulata during the chats. And then he has been telling him about all the launchers. He has also said that I have been involved. So that he must have been boasting because, and that lady must have been coaxing him to give out all this information. Ji. So it was quite immature and childish for him at this age. Jabki he at his rank must be telling his subordinates also about the Official Secret Act because he himself is a director and a responsible ahde pe. Ji ji. Ab sabse badi baat ye hai ki wo itne key profile mein hai aur aaj ek message bada galat ja raha hai jo hamari aane wali peedhi hai uske samne bhi aur matlab other countries mein bhi. To ab itna sab ho gaya, ab aage kya matlab चूंकि आप फोर्स में रहे हैं, अब आगे क्या कदम हो सकता है? नहीं, दिस गोज एज अ रॉन्ग मैसेज, यस, बट देन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज कीप हैपनिंग विद अदर कंट्रीज आल्सो एट सीनियर. लाइक आई सेड, द थ्री डब्ल्यूज आर वीकनेसेस फॉर मेनी अ पीपल, और इसी को टारगेट करके योर enemy or opposing countries use them, because these are the three things which have been used by all countries during any kind of war or espionage, chahe wo world wars mein ho, chahe wo Indo-Pak ho, Indo-China ho. So these will keep happening, and one odd case doesn't say that everybody is like that, but then there are loopholes. That is why such activities of Operation Sarhad, monitoring of the communication, WhatsApp call is a constant process by these intelligence agencies, so that time pe agar curb kiya jaye, har level ke aadmi ko arrest kiya jaye, jaise jiske through ye Zara Das Gupta ka second time call aaya tha ki why have you blocked me, through that Air Force ka koi NCO hai, he also is under interrogation. Ab pata chalega usne kya kuch leak kiya hai ya nahi, ya uska number sirf use kiya gaya tha. So these are constant actions going on. So that is why there are all these agencies, intelligence agencies are working together. Plus, har level pe jo in cheezon se jude hue unko brainwash kiya jata hai ki ye nahi bataya jaye, nahi bataya jaye. But then certain percentage of people here and there will leak out, which are timely. Agar arrest ho jaye to curb ho sakta hai. देखिए, इन पे कार्रवाई तो जैसे ही पता चलता है, इनके साथ कोई भी रियायत नहीं बरती जाती, दैट इज़ वेरी क्लियर. लेकिन द थिंग इज़ कि जिस तरीके से आज हम अभी ये भी बात कर रहे थे कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, अब कहने को तो जो फोर्सेस हैं उनमें मोबाइल वगैरह, जैसा आप भी कहते हैं कि वहाँ दूसरा मोबाइल जो स्मार्टफोन है वो यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है, लेकिन एक साइंटिस्ट है और फिर कई और ऐसे प्रोफाइल होते हैं, लैपटॉप है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए, और ये सब चीज़ें मोबाइल से भी ऊपर जाती हैं. आप मेल कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब आप अगर आपके पास लैपटॉप है, और हर आई थिंक ऑफिसर इसी पे काम करता है. अब जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो डू यू थिंक कि मतलब फोर्सेस में मोबाइल ना हो, केवल मोबाइल ही एक ऐसा जरिया है जिससे बात होती है, जिससे आई मीन सूचनाएं लीक हो सकती हैं? नहीं, अभी इसके लिए भी जैसे आप कह रहे हैं, ऑफिस में भी जैसे लैपटॉप है या पीसीज है, अभी इन द डिफेंसेस you are not supposed to have CD writers. Pen drive तो एकदम वर्जित है, hard disk, external hard disk भी वर्जित है. Then office में
इंटरनेट जो कि ओपन सोर्स है और लोकल जो इंट्रानेट है जो कि हमारे ओन एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर है, सेम लैपटॉप या पीसी पे नहीं यूज कर सकते हैं। दे आर टू डिफरेंट पीसी ओब्लिक लैपटॉप्स जिसपे यूज होता है, उस पे भी हिदायत दिया गया कि ये इतने दूरी पे रखा जाएगा, एक कमरे में नहीं होगा। इंटरनेट एंड इंट्रानेट जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग कमरे में रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कमांड कर रहा हूँ एक यूनिट तो मेरा इंटरनेट अगर है उस कमरे में इंट्रानेट नहीं होगा, देन इंट्रानेट वाला लैपटॉप या पीसी दैट इज ओनली हैंडल्ड बाय ऑथराइज्ड पर्सन। अगर वो जवान है तो उसका नाम दिया जाता है या जो ऑफिसर यूज कर रहा है, जनरली इट इज एन ऑफिसर हु हैंडल्स देम। अगर कोई लोअर लेवल का कर भी रहा है उसका नाम देके उसको ऑथराइज किया जाता है, और जब चेंज होता है ही गिवन ओवर, देन पासवर्ड्स इसके चेंज किए जाते हैं। मेजर्स आर टेकन बट देन लूप होल्स डू हैपन। तो ये सब रेस्ट्रिक्शंस है। अब मोबाइल्स, जैसे आजकल मोबाइल्स हैव एवरीथिंग, यू डोंट नीड अ कैमरा। कैमरा इसीलिए डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से बाहर से कोई आ रहा है अपना है तो सिक्योरिटी के लिए मोबाइल छोड़ दिए जाते हैं। बल्कि कहीं कहीं तो जो एकदम टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है वहां तो छोटे वाले मोबाइल भी अलाउड नहीं है कि आप फोन पे कुछ बता सके। तो मेजर्स आर टेकन, बट इसीलिए ऐसे टॉप लेवल के आदमियों को ये किया जाता है, टारगेट किया जाता है इनके वीकनेसेस को देख के, सो दैट दे कैन बी यूटिलाइज्ड बिकॉज दे नो मोर ऑफ नॉलेज देन दे हैव एक्सेस टू नॉलेज विच दे कैन इजिली टेक एंड पास इट ऑन। जैसे इसने फोटोज खींच खींच के अपने लॉन्चेस के भेजा हुआ है, ही हैज पोस्टेड, हिमसेल्फ इज अ साइंटिस्ट, हिमसेल्फ मस्ट बी हैविंग सो मच ऑफ नॉलेज विद इन हिज विद इन हिमसेल्फ व्हिच ही कैन जस्ट पास ऑन बाय टॉकिंग। जी, सो दैट इज द थिंग। आपने कर्नल शांतनु बहुत अच्छी जानकारी दी। तो आपने देखा कि कर्नल शांतनु ने बड़े विस्तार से बताया कि किस तरीके से एक बड़े प्रोफाइल वाले साइंटिस्ट को हनी ट्रैप में फंसाया गया और उसने देश में होने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया पाकिस्तानी एजेंट के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा, और जो दर्शक पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।